करेगा। कैसे आप लोग आए हो? अच्छे ही होंगे। आज हम लोग जा रहे हैं तीन झंडी शिवजी जी का मंदिर है। आप शिवजी जी, शिव पार्वती माता जो होती है उनका है मंदिर। काफी बहुत मजा आया वहाँ का नजारा, व्यू वो भी तो पहाड़ के ऊपर है, पहाड़ों के ऊपर जंगलों के पास। देखो कौन अपने शहर आया यार, वो आपने सुना ही होगा। और हमारे साथ है हमारे कबाड़ी मतलब नेपाल। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। रवीन भाई सॉरी, और काला, और ये विकास, ये यहाँ से देख सकते हैं व्यू। हम लोग उधर पे जा रहे हैं। अभी रोशन क्या हुआ, गाड़ी चलाते समय आपका मोबाइल नीचे गिरा के गया, ठीक है ना। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको एरोप्लेन मोड में डालने वाले हैं। इसका लॉक क्या था? 2580 2580 66, हमको याद था। इसको अभी क्या करते हैं, ये गया एरोप्लेन मोड में, डाल दो और इसको बंद कर, अभी डाल बंद करके पॉकेट में डाल देते हैं, ठीक है ना। डाल दो, देखिए इसको रुलाते हैं, ऊपर चलिए। सो गाइस अभी हम लोग थोड़ा ऊपर आ चुके हैं और ऊपर आके रुके हुए हैं क्योंकि आपका रुस्तम लोग आपका पीछे ही रह गया, अभी तक आ ही रहा है। और पहाड़ बहुत ही अप है और पीछे शेर खड़ा है, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ये लोग आ ही गया इधर से, ये सब पीछे से एक्टिव वाले के आ गया है, कौन है? ये लोग कोई और है, हमको लगा रुस्तम लोग है। रुस्तम का गाड़ी का ब्रेक कम है, पता नहीं ऊपर चढ़ पाएगा कि नहीं चढ़ पाएगा। और आपका ये सामने में दिखाता हूँ गाइस, यहाँ से ऑफ रोडिंग स्टार्ट होने वाला है अभी हम लोग का। बट पब्लिक लोग लेके गाड़ी तो जाता है। ओए नेपाली, नेपाली रुक जा भाई, हमको उतर जाने दे। भैया कसम ब्रेक लगेगा नहीं, आएगा ऊपर जाएगा, गाड़ी जाता है बे नॉर्मल लोग का। कौन बोला? क्यों नहीं आएगा? आएगा, आओ नेपाली, आ जाओ नेपाली। ऑफ रोडिंग करते हुए हमारे भाई साहब पहाड़ का ऊपर, जाओ 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 जाओ, पीछे हम है, तू सोने से छोड़ देगा हम। रोशन भी पीछे पीछे आ गया, आ जाओ आ जाओ। अरे बाप, ब्रेक है ना। चलो चलो चलो, इसको गाइडेंस के लिए लेके आया क्या आने वाली? इसको गाइडेंस के लिए लेके आया क्या रास्ता के लिए? हम लोग का लेके आया, हम तो लेके आया। सो हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली तीन झंडी के यहाँ पे। इसका शकल मिल रहा है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल मिल रहा है। एक ही बात 100 बार बोलता है लोग। नहीं सही में मिल रहा है गाइस, देखिए हम लोग गाड़ी पार कर दिए पूरा बढ़िया से, और सीढ़ी आप लोग देख सकते हैं कितना है टोटल, 150 चढ़ना पड़ेगा। आज हम लोग चढ़ के दिखा देंगे आपको, चलिए आइए। आज पतला हो जाएगा, मतलब आज पतला जिम कर रहे, जिम में पतला नहीं होता यहाँ पे। So guys, अभी तक तो ऊपर चढ़ ही रहे हैं, अभी हालत खराब हो गई हम लोग का। तो मत आया करिए, आप मत आया कीजिए मोटा भाई, ऊपर से जींस पहन के इतना दूर आता है ऊपर। ये क्या है? तो क्या है ये, क्या चल रहा है? को तो भारी जा, तुम किसी का नहीं सुना क्या? मतलब दूसरे को साइड का नहीं है। हम लोग मंदिर के टॉप पे आ गए हैं, सीढ़ी से चढ़ के काफी थक चुके हैं, और इसलिए अभी पहले मंदिर में नहीं जाएंगे,
थोड़ा यहाँ पे हवा खा लेते हैं क्योंकि अंदर हाथ वगैरह धो के जाना पड़ेगा अच्छे से मंदिर में। और पीछे आप लोग भी देख सकते हैं काफी सुंदर नजारा है शाम के टाइम। अभी 5:30 बज चुके हैं और इतना खूबसूरत नजारा है। हम लोग धूप में आने वाले थे लेकिन धूप में इतना नहीं चढ़ पाते, थक जाते ज्यादा। तो अभी आपको मंदिर ही गया था इसलिए नहीं आए। और गाइस ये यहाँ पे तीन झंडा, इसलिए इसको तीन झंडी नाम से शायद जाना जाता है। तीन झंडा है इसलिए तीन झंडी के नाम से जाना जाता है। तो अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले जो मंदिर है साईं बाबा का मंदिर है, आपको लेके चलते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते आइए। हेलो साईं बाबा, हाउ आर यू? आई एम फाइन। तो अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि हाथ पर धोया हुआ नहीं है। साथ जोड़ के उनके बारे में बताते हैं। साईं बाबा सबके मालिक एक होते हैं, इनको ऐसा बोलते सबका मालिक एक। और अंदर जो है मेन मंदिर है शिव जी और माता का। सुबह ले चलते हैं आपको सेकंड टेंपल की ओर। पहला था साईं बाबा का, दूसरा है ये। कल भी सांप का वो था मूर्ति और सांप दिखा था, आज भी ऐसा तो नहीं हुआ भाई? इसको बोलते कल के व्लॉग में काफी लोगों ने सांप देख के कमेंट किया था। तो गाइस मंदिर के अंदर हम लोग फोन नहीं लेके जा पाए क्योंकि फाइन है 500 रुपया, किसी के पास नहीं है। सबका मिला के भी नहीं होगा। तो मतलब वो कुत्ता ही बहुत डेंजर हमें बंधा हुआ था इसलिए बच गए। वैसे हम लोग दर्शन करके आगे, बट आपको अंदर का फुटेज नहीं दिखा पाए। बैकग्राउंड का सब जगह आपको दिखा दिया। ये साईं मंदिर था, वहाँ पे शिव जी का शिवलिंग था और ये हम आपको यहाँ पे नजारा हम लोगों ने दिखा दिया। थोड़ा बहुत अंदर नहीं दिखा पाए गाइस क्योंकि फाइन था और यहाँ पे भैया लोग भी बैठे हुए काफी डरावने लग रहे हैं। यहाँ पे झगड़े के मूड में इसलिए हमने ज्यादा माथा पच्ची किया नहीं। तो हम यहाँ से निकलते हैं गाइस, आपको दिखाते हैं। चलिए यहाँ से देख सकते हो आप लोग, यहाँ से डायरेक्ट बरसा पड़ा एकदम सामने में हमारे। और यहाँ का प्यारा, बहुत ही प्यारा व्यू के रखा है। और अभी हवा बहुत ज्यादा चल रहा है इस एरिया में। और यहाँ का पैगमंस पेड़ है जो यहाँ पे पूजा होता है। और यहाँ पे गणेश जी का मूर्ति है। और ज्यादा कुछ नहीं है तीन झंडी में, आपका यही था। तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे। पूरा हम लोगों ने आपको जितना व्यू हो सकता था दिखा दिया। यहाँ का मंदिर का हम लोग नहीं दिखा पाया क्योंकि जैसे कि बताया था प्रोहिबिटेड है कैमरा और 500 रुपया फीस लगेगा। तो क्योंकि नहीं था हम लोग के पास। अब हम लोग नीचे जाएंगे, ब्लॉग एंड कर रहे हैं। आपको कैसा लगा बता दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग।